नमस्ते बच्चों, तृतीय पाठ के अंतर्गत आज हम लोग आगे श्लोक संख्या 4 और 5 इसका अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आशा करती हूँ कि व्यायाम सर्वदा पथ्य है। इस पाठ के अनुसार जो मैंने आगे भी आपको बताया था, व्यायाम आप नित्य प्रतिदिन अपने परिवार के साथ कर रहे होंगे और हमारे मलिक सर द्वारा दिए गए वीडियो का भी लाभ उठा रहे होंगे। फिर आज हम लोग श्लोक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले उसका सस्वर वाचन करेंगे। सही सही शब्द जो प्रयोग किए गए हैं, संधियों को तोड़ते हुए उसको पढ़ेंगे ध्यान से। जब सही शब्द हमारे पास आ जाते हैं तभी उसका सही अर्थ लग पाता है, वरना संधि युक्त शब्द तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखें। तो बच्चों, सबसे पहले श्लोक नंबर 4। न चास्ति सदृशं तेन किंचित अस्थौल्य अपकर्षणम्, न च व्यायामिनम् मर्त्य मर्दयन्ति अरयः बलात्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित अस्थौल्य अपकर्षणम्, न च व्यायामिनम् मर्त्य मर्दयन्ति अरयः बलात्। अब इसका जो कठिन शब्द का जो अर्थ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो शब्द है तेन, तेन उससे, उसके द्वारा, सदृशम समान, किंचित कुछ, अस्थौल्य मोटापा, अपकर्षणम दूर करने वाला, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मर्त्य मर्त्यम व्यक्ति को, अर्दयन्ति अर्दयन्ति मतलब कुचल पाते हैं, पीड़ा दे पाते हैं, और अरयः अरयः मतलब शत्रु लोक, बलात् बल से बलपूर्वक। एक बार और अर्थ देख लें शब्दों के, कठिन शब्दों के। तो न मतलब और, च मतलब, न मतलब नहीं, च मतलब और, अस्ति है, सदृशम समान, तेन उससे, किंचित कुछ, अस्थौल्य मोटापा मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला, न मतलब नहीं, च मतलब और, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले को, मर्त्यम व्यक्ति को, अरयः शत्रुलोग, अरयः शत्रुलोग अर्दयन्ति कुचल पाते हैं, नष्ट कर पाते हैं, बलात् बल पूर्वक। अब इस श्लोक का अर्थ जानते हैं, अनुवाद। न चास्ति सदृशं तेन किंचित अस्थौल्य अपकर्षणम्, तेन इस व्यायाम के द्वारा, और इस व्यायाम के द्वारा या व्यायाम से किंचित अस्थौल्य अपकर्षणम्, व्यायाम से कुछ भी अथवा कोई भी, अस्थौल्य अपकर्षणम मोटापे को, अपकर्षणम दूर करने वाला कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। व्यायाम के द्वारा अथवा व्यायाम के समान कोई भी इस मोटापे को दूर करने वाला नहीं है। न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः बलात्, और इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलात् बलपूर्वक अरयः शत्रु लोग न अर्दयन्ति पीड़ित नहीं कर पाते हैं, कुचल नहीं पाते हैं अथवा नष्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार और अनुवाद देख लें। न चास्ति सदृशं तेन किंचित अस्थौल्य अपकर्षणम्, और इस व्यायाम के समान कोई भी अथवा कुछ भी, अस्थौल्य अपकर्षणम् नास्ति मोटापे को दूर करने वाला अथवा नष्ट करने वाला कोई भी नहीं है। न चा व्यायामिनम मर्त्यम अर्दयन्ति
अर्हबनात और न ही इस व्यायाम करने वाले व्यक्ति को बलात् बलपूर्वक अर्दयंती अरेह, जो अरेह मतलब जो शत्रु लोग हैं वह बलपूर्वक नष्ट नहीं कर पाते हैं अथवा वह सता नहीं पाते अथवा परास्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए व्यायाम हमें सुगठित बदन सुगठित शरीर बनाने के लिए हमको करना नित्य करना चाहिए। अपने शरीर से मोटापे को दूर करना चाहिए और शरीर को सुगठित कराने के लिए बनाने के लिए हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए। अब इस श्लोक में आए हुए संधि युक्त शब्दों का संधि विच्छेद देख लें। चास्ति च जोड़स्थि मर्त्य मर्तयन्ति अरयः मर्त्यम जोड़ अर्दयन्ति जोड़ अरयः स्थौल्य अपकर्षणम स्थौल्य जोड़ अपकर्षण प्रत्ययुक्त शब्द अपकर्षणम अप जोड़ कृषि जोड़ लुट व्यायामिनम व्यायाम जोड़ इनि प्रत्यय पर्याय पद देख लें। सदृशम अनुरूपम मर्त्यम मरणशील अरय रिपव अर्दयन्ति अर्दनम कुर्वन्ति अथवा पीड़ाम यच्छन्ति। श्लोक नंबर 5। न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधिरोहति स्थली भवति मानसम च व्यायाम अभरितस्य च न च एनम सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति अस्थरी भवति मानसम च व्यायाम अभिरतस्य च। अब इस श्लोक का भी कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। चैनम च जोड़ेनम और इसको सहसा सहसा मतलब अचानक आक्रम्य आक्रमण करके जरा जरा मतलब होता है बुढ़ापा समधि रोहति आता है अथवा दबाता है अस्थरी भवति परिपक्व हो जाता है मानसम मांस को च और व्यायाम व्यायाम को अभरितस्य लगे रहने वाले को। एक बार शाब्दिक अर्थ और देख लें। न मतलब नहीं च मतलब और एनम मतलब इसको सहसा अचानक आक्रम्य आक्रमण करके जरा बुढ़ापा समधि रोहति आता है अथवा दबाता है अस्थरी भवति परिपक्व हो जाता है सुगठित हो जाता है मानसम मांस को च मतलब और व्यायाम व्यायाम को अभरितस्य लगे रहने वाले को। अब अनुवाद देख ले बच्चों। ये जो श्लोक है इस श्लोक में भी व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि इस व्यायामशील व्यक्ति को ही अचानक बुढ़ापा नहीं आता है, यानी कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसको बुढ़ापा नहीं आता। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति लगातार रेगुलर व्यायाम युक्त होता है व्यायामशील होता है व्यायाम करता है उस व्यक्ति को अचानक बुढ़ापा कभी नहीं आता। तात्पर्य है कि जिस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति झुक जाता है उसके हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते यहाँ तक कि वो व्यक्ति अपना कार्य भी स्वयं नहीं कर पाता, यदि व्यक्ति व्यायामरत रहे तो वह हर उम्र तक वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा। और आगे कहा गया है कि अस्थरी भवति मानसम च व्यायाम अभरितस्य च, और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले को जो व्यायाम में रेगुलर तल्लीन है लगे हुए हैं उनका मांस भी अस्थरी भवति परिपक्व हो जाता है यानी कि सुगठित हो जाता है और व्यायाम अभरितस्य च और अस्थौल्यता उन पर हावी नहीं हो पाती है। एक बार इस श्लोक का अनुवाद और देख लें। इस श्लोक में भी व्यायाम के लाभ बताए गए हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि व्यायामशील व्यक्ति को कभी भी अचानक से बुढ़ापा नहीं आता,
तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार बूढ़ा व्यक्ति झुक जाता है, उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, वह ठीक से काम नहीं कर पाता है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति अपना स्वयं का कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता है, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर वही व्यक्ति व्यायामरत रहे, व्यायाम में संलग्न रहे, तो वह हर उम्र तक वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, अपना कार्य स्वयं करता रहेगा। और आगे भी इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति व्यायाम में तल्लीन रहने वाले होते हैं, व्यायाम में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, उन व्यक्ति का मांस भी परिपक्व मजबूत हो जाता है, सुगठित हो जाता है, और उन पर अस्थौल्यता जो मोटापा होता है, एक्स्ट्रा मांस यानी कि जो मोटापा, जो मांस लटके हुए जो मांस होते हैं, वह उन पर आ नहीं पाता, उन पर हावी नहीं हो पाता। बच्चों अब संधि युक्त शब्द देखें। शब्द आया था चैनम, च जोड़ एनम, फिर है व्यायाम अभरितस्य, व्यायाम जोड़ अभरितस्य, सहसा क्रम्य, सहसा जोड़ आक्रम्य, अब प्रकृति प्रत्यय देख लें, आक्रम्य में आ उपसर्ग, क्रम धातु ल्यप प्रत्यय, अस्थरी शब्द है, स्थिर जोड़ गीप प्रत्यय, स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और विपर्य पद है कुछ, जरा जरा मतलब होता बुढ़ापा, यौनम मतलब युवावस्था, अधिरोहति का अवरोहति, स्थिर का अस्थिर, पर्याय पद है जरा का वार्धक्यम, आक्रम्य आक्रमणम कृत्वा, अभरितस्य संलग्नस्य। बच्चों आज भी मैंने आपको दो श्लोक पढ़ाया। पहले श्लोक में भी बताया, व्यायाम से संबंधित ही बताया गया, जिसमें कहा गया कि जो व्यायाम युक्त होता है उस पर मोटापा कभी नहीं आता और शत्रु भी उसको पीड़ित नहीं कर पाते। दूसरे श्लोक में इसी प्रकार आगे बताया गया कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है वह कभी भी बुढ़ापे से ग्रसित नहीं होता, यानी कि बुढ़ापा तो आता है लेकिन जल्दी इस पर बुढ़ापा हावी नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जो मांस होता है वह परिपक्व हो जाता है, व्यायाम करने से शरीर सुगठित हो जाता है, और उसका जो स्किन है, जो मांस है, वह लूज नहीं हो पाता, वह हमेशा खड़ा रहता है, झुक नहीं पाता, ये सब कुछ व्यायाम करने से ही आगे होता है, इसलिए व्यायाम करते रहना चाहिए। इस आज के दोनों श्लोकों के ऊपर ही आज का मेरा जो होमवर्क है वो आपको करना क्या है कि दोनों ही श्लोकों को सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके और इन सभी का अनुवाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है। साथ साथ जिस प्रकार मैं आपको संधि प्रत्यय समास पर्याय विपर्य ये सारी चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ, बता रही हूँ, आप इसको भी कॉपी पर लिखें और मुझे दिखाएं।